ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕੋਣੇ ਨੇ ਫਾਦਰਹੁੱਡ ਆਫ ਗੋਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਆਫ ਮੈਨ ਇਹ ਫੈਡਰਿਕ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਸਾਂਝਾ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਸਾਂਝਾ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ एक पिता एक से हम बालक पर जब गुरु नानक देव जी महाराज आए धड़े बंदियां कुतब नीतियां थां थां नचदियां सच कीमत कदर झूठी अग च मचदियां उदो इहो जे हालात बने हुए सन संगत जी जदों एके दी गल कर रहे ने महाराज हक तरे चोर पापी गल्लां जदों अमोलक सुनियां लाडारा एके दा सुती पई जगाती दुनिया उन्होंने प्रेम दी प्यार दी गल कीती आपा बचपन दा इतिहास सारे सुनदे आ बचपन दी जिहड़ी उन्हां दी नेचर जिहड़ा उन्हां दा सुभाअ सी उह ऐसा परमात्मा दे वल्लों कोई भी डरते साधु संत आया कीमती चीज उहदी झोली च पा दित्ती मासी दा नवां मासी माता लखो जी जो गुरु नानक देव जी महाराज दे मासी जी सन उह आए मिलन वास्ते अपनी भैण माता तृप्ता जी नूं दोनों भैन आपस में गल कर सतगुरु महाराज नेड़े ही ने खेड रहे ने कहते जो माता तृप्ता जी ने धन गुरु नानक देव जी महाराज जी के सुभाव बारे दसिया लखों के आ बोल सन मासी जी दे कहते भेने तेरा जेड़ा लाल है मैनू तो मस्ताना जि जापदा है नेड़े सन गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने सुन लिया वो कहते मासी जेड़ा तेरा सपुत्र होगा मेरे तो भी वध मस्ताना होगा उन्होंने आ बोल निकले उन्होंने सपुत्र का नाम सी बाबा राम ठम्मण कसूर ते लैके उन्होंने याद च मेला लगता है उन्होंने जगह है बाबा राम ठम्मण जी का स्थान विसाखी का जोड़ मेला भरता बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों सब तो पहला गुरु धारण करता जानकी प्रसाद को एक घूमता घुमा घूमता घुमा स्थान से आया से दूजा गुरु ने इथे आके बनाया से नाम से महंत रामदास राम थम्मण स्थान के मुखी सन उस समय यह सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी के मासी के सपुत्र सन आप इतिहास अर्पण करते हैं वैद भी आया सतगुरु महाराज के कोले जदों वैद आया उन्होंने जिक्र किया साडे दुखों का कहते बंदे नूं दुख केड़े केड़े लगते ने दुख भी छोड़ा एक दुख भूख एक दुख सख्त वार दे मदूत एक दुख रोग लगा तन धाए वैद ना भोले दारू लाए एक विछोड़े का दुख एक भुख का दुख देखो एक मौत का दुख एक कोई रोग लग जाना कोई बीमारी लग जाए यह चार दुख दसे महाराज ने कोलों चार दुख दसे कहते विछोड़ा भुख मौत फिर रोग लग जाए रोग लग जाना यह साखियां तुसी सुनदे हो आप सारे जानते हैं कथा वाचकों तो कवीशर ढाटी आते हैं क्योंकि मैं इतने एक ही गल कर रही हूँ अगे आप जो उन्होंने उस पखंड से जाके वो पखंड जरा अभी भी चलता है पर यह सोचियो हटे क्यों नहीं अस ਸੱਚੇ ਸੋਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ।